ये इसमें कहाँ जा रही है? जहां भी जा रही हो, इससे कौन सा किसी ने कुछ पूछना है। जब मर्जी आए, जब मर्जी जाए। हमारी तरह थोड़ी है भाई कि 5 मिनट लेट आएगी तो क्लास लग जाएगी, और छुट्टी कर लें तो सैलरी कट जाए। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका जब दिल चाहता है मुंह उठाकर बाहर चली जाती है, जैसे ऑफिस की एम्प्लॉय नहीं मालकिन हो। मालकिन ना सही, बॉस की मंजूरे नजर तो है। जी सर, बुलाया आपने। हाँ, एक बात अपने पल्ले बांध लो, आइंदा किसी के भी रूम में जाना तो नॉक कर कर जाना। अच्छा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और इस एड्रेस पे डिलीवर होने हैं, समझ गए? जी। और हाँ, ये 1000 रुपये बाइक में पेट्रोल डलवा लेना, और जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाओ बिल भरवा लेना। जरूरी है। जी जरूरी है, इसीलिए कहा है आपसे। जाओ फौरन। जी। जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। कभी कभी लगता है कुछ भी बाकी नहीं बचे, कभी लगता है सारा जहान ही मिल गया। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। काश मैं भी दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल और खुशियों भरी जिंदगी गुजार पाती। काश किस्मत मेरे माथे पर बदनामी की कालक ना मलती। काश काश मेरे अपने मुझसे ना बिछड़ते। अच्छी लग रही है ना? हाँ बस यार, नहीं थी। हाँ भाई, हो गया काम। भाई क्या याद रखेगा, सारे काम कर दिए तेरे। ये ले तेरी मैकेनिक की पर्ची और ये ले पेट्रोल की पर्ची। अभी ये क्या नया फंड है? अबे तू नहीं समझेगा, तेरी सोच छोटी है ना। वाह मेरे शेर, दिल खुश कर दिया तूने। लेकिन ये क्या यार, तुझे पेट्रोल की 500 की पर्ची बोला था बनाने के लिए, तू 1000 की बनवा के ले आया। अबे क्या हो गया, ये बिरयानी खानी है अच्छी वाली, खाना मुर्गे की, छोरे वाली क्यों खा रहा है? और पता है मैं तो कह रहा हूँ ना, जो मैकेनिक वाली है ना, ये भी 4000 करते, 3000 कम लग रहा है मुझे। अबे पागल हो गया, अभी शुरुआत है जॉब की। अच्छा सिगरेट दे। आ रही हूं, कौन है? क्यों आई हो? अस्सलाम वालेकुम। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्यों आई हो यहाँ? क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या अब मैं यहाँ कभी नहीं आ सकती? नहीं, तुम्हारा घर नहीं है, तुम नहीं आ सकती इस घर में। अब तुम्हारा वही घर है जहाँ तुम्हारी शादी हो गई है। जारा से पता लगा कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, सर आ नहीं गया। मैं सिर्फ एक दफा अब्बू को देख सकती हूँ। उनकी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारे ही दिए हुए जख्मों की वजह से वो पड़े हुए हैं। ना तुम दुख देती ना वो इस हाल में होती।
अम्मी, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कह सकती हैं? आपको वाकई लगता है कि अब्बू की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं? क्या आप मेरे सर पे हाथ रख के ये कह सकती हैं कि आप भी सबकी तरह मुझे ही कसूरवार समझती हैं? नहीं कर सकती आप, और मैं ये जानती हूं कि आप भी जानती हैं कि मैं बेकसूर, और आप सिर्फ अब्बू के डर की वजह से मुझसे सख्ती से बात कर रही हैं। फिर क्यों आई? नहीं मिलेंगे वो तुमसे, जानती हूं, इसलिए सिर्फ सिर्फ एक बार दूर से देखूंगी अम्मी और चली जाऊंगी। नहीं, रुक जाओ, इसे आगे नहीं जा सकती तू। मम्मी अब्बू सो रहे हैं, मैं उन्हें नहीं उठाऊंगी, बस एक बार करीब से देख फिर चली जाऊंगी, प्लीज। नहीं, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगी। तुम उनसे बात करने की कोशिश करोगी, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनकी इजाजत के बगैर इस घर में दाखिल हुई हो, उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अभी मैं कोई बात नहीं करूंगी उसे। समीना, समीना, जाओ, तुम जाओ। अब कौन था, किससे बातें कर रहे? कोई भी नहीं। कोई नहीं है? अरे मैंने अभी कुछ सुना है, तुम किसी से बातें कर रही थी? वो जारा थी, पूछ रही थी कि आपके लिए सूप बनाना है। नहीं, ये जारा की आवाज तो नहीं थी, मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये इमरा की आवाज। कहीं वो तो नहीं आई? जी अमीना, क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या छुपा रही हो मुझसे? नहीं, निमरा क्यों आएगी भला? आपने कोई ख्वाब देखा होगा, उसने देखा होगा निमरा को। हाँ? हाँ? ठीक कह रही हो तुम, ख्वाब ही देखा होगा मैंने। खुदा से दुआ करता हूँ कि आइंदा ऐसा कोई ख्वाब ना देखूं जिसमें निमरा की शक्ल और आवाज। मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिस दिन निमरा हमारे यहां पैदा हुई थी। क्या अच्छा होता कि निमरा पैदा ही ना होती, और पैदा हो गई थी तो उसी वक्त मर जाती।